ओम साई राम। साई बाबा कौन है आपने पूछा, मैं कहूँगा साई बाबा कौन नहीं है। साई बाबा सब में ही समाये हैं। आज शरीर के रूप में जब वो आए यहाँ इस धरातल पर 100 बरस पहले, तो उस समय कहीं वो संसार को संदेश देने के लिए आए कि हम समझ सके कि हम सब में वो एक है समाया। इसलिए उनका एक वचन जो था, सबका मालिक एक, जो बार बार कहते थे। सबका मालिक एक का अर्थ है कि हम भले संसार में अलग अलग जन्म लिया, अलग अलग हम जिसको धर्म कहते हैं उसमें आए, पर सच तो ये हम सबका मालिक एक ही है। खेल खेलने के लिए, जैसे जीवन में हम टीम बनाते हैं खेलने के लिए, लीला करने के लिए, ऐसे ही संसार में ये खेल चल रहा है। कोई भी संसार में जब कोई आत्मा परमात्मा की अवस्था में आती है, तो संसार को यही संदेश देती है कि आपस में झगड़ो मत, द्वंद्व द्वेष मत करो। पर हम सदा देखते आए हैं कि हमने सिर्फ संसार में ही आपस में द्वंद्व द्वेष नहीं किया, बल्कि परमात्माओं में भी जो है द्वंद्व द्वेष कर डाला। इसलिए बाबा जब धरातल पर आए उस समय भी यही कहर चल रहा था, आपस में बहुत मतभेद था, जो आज भी है। तो उन्होंने भी वही संसार को संदेश दिया कि हम एक हैं भाई, सबका मालिक एक है तो हम एक हैं। शरीर में आए, कितनी पीड़ाएं ली उन्होंने, कष्ट लिए हमको संदेश देने के लिए, परंतु हम जाग ना सके। 100 साल के बाद भी आज भी हम द्वंद्व और द्वेष में जीते हैं। तो साईं बाबा उस समय साकार देह में थे, आज आत्मा परमात्मा स्वरूप हैं, हर एक के अंदर वास करते हैं, पर हम फिर भेद कर देते हैं। उन्होंने राम जी हो, कृष्ण हो, या जो भी समय से आए, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, सबको जो सा है एक सा प्रेम किया, कहीं भेद नहीं किया। सबका मालिक एक, जो भी परमात्मा स्वरूप आए सबका उन्होंने संदेश दिया, और स्वयं से कहा कि कोई आपस में द्वेष ना करो, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब खेल है, आपस में लड़ो मत। तो वो संदेश देने वाले, वो परम आत्म स्वरूप आए, और हमने उनसे संदेश क्या लिया हम जानते हैं। आज हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि बाबा का वो संदेश कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि अंदर सब में एक ही आत्मा है, और वही आत्म ज्ञान बाबा बार बार साईं सच्चरित्र में दे रहे हैं कि बाहर शरीर से तुम संसार की कोई भी इच्छा रखते हो, कि घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, जो भी रखते हो, खेल है, परंतु अंतरात्मा जो इस शरीर को चला रही है, जिससे तुम आज हो, उसको जानो। वो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, सब में एक ही है। इसलिए शमशान में कोई भेद नहीं है, लकड़ियों में सब जलते हैं। इसलिए बाबा ने ये संदेश दिया, एक ही है, सब का मालिक एक है, चाहे दफनाए जाएँ, चाहे जलाए जाएँ। तो अंत में हमें घर लौटना है, तो अंदर से द्वंद्व द्वेष को ख़त्म करना होगा। बाबा का यही संदेश उनको परमात्मा स्वरूप बनाया। आज हम सब में वो परमात्मा, चाहे हमारा कोई भी नाम हम दे लें,
वही हमारे अंदर हैं, साईं भक्तों में पूरी तरह से हैं। कोई राम भक्त कहता है, कोई कृष्ण भक्त कहता है, पर सब एक ही हैं, दो नहीं हैं। इसलिए साईं बाबा परम स्वरूप थे, परम धाम, जहाँ से कि परमात्माओं का, जो हम परमात्मा एक हम सरनेम कह सकते हैं कि परमात्मा कितने हुए, सब वही हैं, पर हम आज भी परमात्माओं में भेद करते हैं, यही हमारी चूक है। तो बाबा मेरी नज़र में सिर्फ एक परम आत्मा स्वरूप थे। परमात्मा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब एक ही कहा, सब में देखो एक ही धर्म में कहा। हम कहें मुस्लिम धर्म एक ही अल्लाह, गुरु नानक सिख धर्म में कह रहे एक ओंकार सतनाम, हिंदू धर्म पूरा कह रहे अद्वैत, जब दो है ही नहीं तो दो हम क्यों देखें। तो बाबा ने वही एक आँख बताई कि सब एक आँख वाले हो जाओ, तो जीवन सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, यानी चित्त में सत्य वो तत्व परमात्मा आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा। आज तो हम कहते हैं बाबा आ जाएंगे, किसी भी रूप में जो भी नाम ले लो, सबका मालिक वो का एक ही है। तो फिर हम पार ब्रह्म बाबा जिंदा स्वरूप से जाकर दर्शन करेंगे। यही परमात्मा स्वरूप मेरी जो है नज़र है उन साईं स्वरूप में, क्योंकि जब अंतःकरण में दर्शन हुआ, जीवन का आनंद मिला, और उस आनंद को जो है कहीं भी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। उनके बारे में शब्दों में कहना वो अनंत कोटि, अनंत के लिए क्या कहा जाएगा। फिर भी छोटे में यही है कि वही हैं, हर जगह वही हैं, कण कण में वही हैं, कोई दो है ही नहीं। तो जीवन का वो आनंद पाना है तो उनको हमें एक उस का मालिक, सबका मालिक, चाहे एक ओंकार चाहे एक ही अल्लाह, सब एक, जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं, वो समा गए, सागर स्वरूप है बाबा। सबको प्रेम से उस परमात्मा तक, पार ब्रह्म तक पहुंचना है, कोई अंदर भेद नहीं। तो वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है।